हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर आज हम ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे इट इज सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फॉर हियरिंग और इसका मेन काम है ये बाहरी साउंड को कलेक्ट करके उसे ट्रांसमिट करता है और ब्रेन के हेल्प से उस साउंड को आइडेंटिफाई करता है एंड इट इज ऑल्सो मेंटेन अ सेंस ऑफ बैलेंस इन साउंड इन सारे पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर से ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट दैट इज एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर चलिए अभी इन सारे पार्टस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है वो है औरल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिन्ना सेकेंड एक्सटर्नल ऑडिटोरी कैनल एंड लास्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम ये जो पिन्ना है जिसे हम औरल भी कहते हैं तो ये औरल जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना है विच इज़ कवर्ड बाय लेयर ऑफ स्किन इसका स्ट्रक्चर फनेल जैसा है जो कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करके मिडल ईयर की तरफ भेजता है ईयर का नीचे वाला पोर्शन जो है उसे कहते हैं लोब्यूल विच कंसिस्ट ऑफ एडिपोज एंड फाइब्रस टिश्यू पिन्ना के बाद आता है एक्सटर्नल ऑडिटोरी कैनाल तो यहाँ से होके यहाँ कंप्लीट हमने अभी डिस्कस किया विच इज कॉल्ड एज पिन्ना अब हम डिस्कस करेंगे ये जो कैनाल ये जो ट्यूब जैसा पोर्शन है इसे हम अभी डिस्कस करेंगे इट इज लाइटली Curve canal supported by bone in its interior part and cartilage in the exterior part. तो यहाँ पे देखिए ये जो canal है ये canal को temporal bone ने support किया है. The canal is lined with stratified epithelial tissue and wax gland. तो ये ये जो कैनल है ये stratified epithelium tissue से बना है और वहाँ पे wax gland होते हैं. इस पार्ट के बाद आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, विच इज़ कॉल्ड एज ईयर ड्रम इसका मेन फंक्शन है ये साउंड वेव्स को रिसीव करता है दैट इज दिस पार्ट रिसीव्स एंड एम्पलीफाइज द साउंड वेव्स। इस मेम्ब्रेन का ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे देखिए ये पिंक कलर का जो सेंटर में जो पोर्शन है तो सेंट्रल पार्ट है उसे अम्बो कहते हैं नाउ इस एक्सटर्नल ईयर के बाद आएगा मिडल ईयर यह जो ब्राउनिश कलर का पोर्शन है यह हुआ मिडल ईयर मिडल ईयर में टिम्पेनिक कैविटी है और इसके पास ऑडिटोरी ट्यूब रहता है जिस ट्यूब का नाम है यूस्टेयन ट्यूब यहाँ पे देखिए यह है यूस्टेशियन ट्यूब टिम्पेनिक कैविटी consists of three small bones called as auditory ossicle. अब ये जो tympanic cavity है तो tympanic cavity के पास three छोटे छोटे bones रहते हैं उन bone का नाम है malleus, incus और stapes. तो आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं miss करके जैसे M I और एस तो मेलियस जो बोन है वो हैमर शेप का रहता है एंड ये ये तीनों ऑसिकल जो ईयर ऑसिकल है उसमें से सबसे लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल है उसके बाद आ, थोड़ा सा छोटा होता है मैलियस से छोटा होता है इनकस और इनकस के बाद आता है स्टेप्स तो स्टेप्स ये स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल है और ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन भी कौन है ये स्टेप्स ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द मिडल ईयर अभी देखेंगे तीसरा जो ईयर का पार्ट है वो है इनर ईयर

और दूसरा है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये बोनी लेबिरिंथ के अंदर रहता है यहाँ पे देखिए ये है बोनी लेबिरिंथ जो कि बाहरी पोर्शन है और इसके अंदर होता है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इस डायग्राम में यह जो ब्लूइश कलर का पोर्शन है यह है बोनी लेबरिंथ तो बोनी लेबरिंथ के अंदर वाला पोर्शन जो कि ऑरेंज कलर का यहां पे दिखाया है वो है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ चलिए अभी इस बोनी लेबरिंथ को शॉर्ट में अभी डिस्कस करते हैं बोनी लेबरिंथ के पास तीन पार्ट होते हैं वो है कौचलिया दूसरा है वेस्टिब्यूल और तीसरा है सेमी सर्कुलर कैनल ऑल दिस स्ट्रक्चर आर लाइंड इंटरनली विथ पेरियोस्टियम एंड कंटेन अ फ्लूड कॉल्ड पेरिलिमथ तो ये तीनों ही एक दूसरे में जॉइंट रहते हैं और उनमें एक पेरिलिमथ नाम का फ्लूइड रहता है उसके बाद है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इट कंप्राइजेस सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड हियरिंग मीन्स इसके पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं फॉर बैलेंसिंग एंड हियरिंग इट कंसिस्ट ऑफ कॉचियर डक यूट्रिकल एंड सेक्यूल्स सेमी सर्क्युलर डक और एंडोलिम्फेटिक डक तो ये जो इनर ईयर है दैट इज इंटेरियर इनर जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो हम इसे अगले हमारे आने वाले वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पे लास्टली मैंने ह्यूमन ईयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया है तो यहाँ से होके ये कंप्लीट ऐसा पोर्शन हुआ आउटर ईयर पिंक कलर का जो पोर्शन है वो हुआ मिडल ईयर और यहाँ पे इस डायग्राम में जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो है इनर ईयर तो आज हमने कंप्लीट ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस किया है अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू